आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। तकबीर मेरे भाई के निकाह में अभी तक, और ये कानूनी और शरई दोनों तरह से जायज नहीं है। देखिए मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ। तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो अपनी जिद और अपनी आना की वजह से दूसरों के घर बर्बाद करती हैं और खुद खाली हाथ रह जाती हैं। तो फिर 30 तारीख ठीक रहेगी निकाह के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिलदार का गम आया। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ, 2 जगह सीवी भेजिए, आप दुआ कीजिएगा कि जवाब आ जाए। भाई हम क्यों दुआ करें? आप मेरी अम्मी हैं, आप नहीं दुआ करेंगे तो कौन करेगा? जब हम चाहते ही नहीं है कि तुम जॉब करो तो फिर दुआ क्यों करें? तो और क्या, आप नुसरत का साइड देनी है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? भाई ये भी तो मेरी बेटी है ना, और भाई मैं सही का साथ देती हूँ। आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है अम्मी, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ। अब ये तुम अपने भाई से पूछो। ये क्या टोपियां पहनाई जा रही है मेरे नाम पे? भाई ये अब अपनी बहन से पूछ लो, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। हाँ भाई क्या मसला चल रहा है? भाई ये मसला तो मसला कश्मीर से भी बहुत बड़ा। रान बैठो। क्या मसला? रान मैं जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरी हर बात मानोगे। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगा था इस बात पे तुम्हें इतराज होगा। कैसे नहीं होगा इतराज? इतराज है, बहुत सख्त इतराज है। तुमको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही है, क्या सोचा हुआ है मेरे लिए आखिर तुम लोगों ने? काफी कुछ सोचा हुआ तुम्हारे लिए। मूसा भाई से जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करानी है और खुशी खुशी रुखसत कर देनी, और हमने सारे मामलात भी तय कर लिए हैं। क्या हुआ? लगता है शर्मा गई। मैं आपके लिए चाय बना। हेलो मूसा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जब तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनता हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। क्या? यही जो तुम सब मेरे साथ कर रहे हो, इस सब को खत्म कर दो। अब नहीं तकबीर, अब नहीं, अब वही होगा जो हम चाहते थे। कि मैं ये नहीं चाहती, मैं पहले ये चाहती थी लेकिन अब नहीं चाहती। क्यों तकबीर क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मैं उसी तरह तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, उसी तरह तुम्हें चाहता हूँ, और तुम भी वही हो। लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना चाहत, मैं खावर की बीवी बन गई थी। तुम अब नहीं रही खावर की बीवी, फातिमा की माँ हूँ मैं। मेरी जिंदगी अब फातिमा की है और सिर्फ उसकी है। मुझे मालूम है वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। तकबीर तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता तकबीर, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। अच्छा किया भाई आपने। अम्मी देखे कौन आया है? अरे सुल्तान, मेरा बच्चा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे मैंने तो इन लोगों को मना भी किया था कि बेचारे बच्चे को परेशान ना करो, मगर ये मना ही नहीं हुए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने क्यों मना किया, आप क्या चाहते हैं कि इस घर के बारे में मुझे कुछ इल्म ना हो? हाँ सिपाही ठीक कह रहे हैं अम्मी,
हम लोग तो इकट्ठा हैं यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं चलता। वहाँ भाई और भाभी अकेले हैं, सोचिए कितना परेशान होते होंगे। और मैं जानती हूँ भाई आ गए हैं ना, आपको बहुत तसल्ली होगी। अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर ने इन्हें क्या कहा है? कोई एहतियात, कोई दवा? हाँ एहतियात कही है, कहा है कि नमक ज्यादा नहीं ले सकते और शक्कर भी मना की है। बहुत गलत बात है अम्मी, अब्बू के जाने के बाद ना आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो हमारे लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अरे बेटा तुम लोगों के लिए ही तो जीती, पता नहीं जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी गलती हुई है जो इतनी आजमाइशों से गुजरना पड़ गया। बस अब मैं ये चाहती हूँ कि बाकी की जिंदगी जो है तुम लोगों के साथ हंसते खेलते गुजारूं। अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं आप, अपने आप को कोसने से क्या मिलेगा? देखिए ना मैं हूँ आपके साथ, अब तो भाई भी आ गए हैं। अरे बेटा तुम्हारा सामान कहाँ है और तुम कितने दिन के लिए आए हो? मैं सबसे पहले ऑफिस गया था, फरहान निकल चुका था इसलिए मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। खैर मेरा सामान उधर ही रह गया, और आपको मेरे दिन गिनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ। ओके? अरे भाई शाजिया तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है कि तुम अपने अकलौते बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर रही हो जिसके शौहर का ना आता है ना पता है, और एक बेटी भी है। कल कला को कोई तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया तो तुम क्या कर लोगी? बाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम वकील से बात करके ही सारे फैसले कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मूसा तकबीर को बहुत पसंद करता है, उसकी बेटी को अपनी औलाद की तरह रखेगा, और अगर हमारी सोचें भी नहीं बदलेंगी तो ऐसे पढ़ लिखने का क्या फायदा होगा? अब मैंने क्या कहना सुनना है, लेकिन मूसा की तो पहली शादी है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये बात जरूर खुलेगी कि तकबीर दूसरी शादी कर कर आई है। ना मैं कभी ऐसी बात करूंगी और ना ही मूसा, हम बहुत इज्जत से उसको लेकर आएंगे इस घर में, बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत देंगे उसे, सारी जिंदगी उसकी इज्जत करेंगे। उस बेचारी बच्ची ने तो बहुत दुख और तकलीफें उठाई हैं, मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहू को बिल्कुल महवेश की तरह रखूं, बहुत प्यार से अपनी बेटी बनाकर। अब उसकी तारीफें ही करती रहोगी या मुझे भी मिलवाओगी? हाँ हाँ जरूर मिलवाऊंगी, वक्त तो आने दे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो पसंद आए। महवेश तो आने के लिए बेचारी तड़प रही है, लेकिन बस यही है ना, बेटियों की दूर शादियां कर दो तो फिर यही मसाइल होते हैं। तौबा करो कैसा मसला, जब लड़कियां अपने घर में खुश हैं, और मूसा कहाँ है उसको बताओ ना कि मैं आई नहीं हूँ। आता ही होगा, काम के सिलसिले में बहुत मसरूफ रहता है, और फिर थोड़ी बहुत जो तैयारियां हैं शादी की वो भी वही कर रहा है। बच्चा भी तो अकेला है, क्या क्या करे? मैं अपने बेटे पे बहुत फख्र करती हूँ, बहुत रश करती हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा बच्चा दिया, अल्लाह उसको हजारों खुशियां दे। जब से उसकी शादी की बात तकबीर से चल रही है उसके चेहरे पे इतनी खुशी है, और उसे देखकर मुझे सुकून और इत्मीनान हो गया है। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। अरे भाई उसे फोन तो कर दो, उसे बताओ तो कि उसकी ज़हरा फूफो आई हुई है। अच्छा फोन करके फिर। हेलो। वालेकुम सलाम। बेटा तुम किधर हो? फूफो आई है तुम्हारी, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। अच्छा चलो बस जल्दी से आ जाओ, फौरन रास्ते में ही आ रहा है। अच्छा अच्छा ये लो बेटा। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने इतना कुछ बना लिया। क्या मतलब बना लिया? अरे बेटा तुम इतने दिनों के बाद आए हो, अब मैं तुम्हारे लिए यही सब कुछ तो कर सकती हूँ ना। मैं आपकी तबीयत की वजह से कह रहा हूँ, किचन में ज्यादा देर आपके लिए खड़े होना और गर्मी में काम करना ठीक नहीं है। अरे बेटा मैं रोजाना इस घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, और अब जब तक तुम यहाँ हो सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना खा। ये भी कोई कहने की बात है, मैं फरमाइश करके आपसे खाना खाऊंगा कि मुझे आज ये खाना है और आप वो पकाएंगे, मगर फिलहाल आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट करेंगे। और ये तकबीर लोग कहाँ हैं? ये वापस कब आएंगे मार्केट से? पता नहीं बेटा कुछ बता के तो नहीं गए, तकबीर ने उसकी फातिमा की कुछ चीजें ले ली, मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने वो घर से निकली तो है।
वरना तो कमरे में पड़े पड़े हजार सोचे हजार फिक्रे होती हैं उसकी। हाँ ठीक कह रही हैं। खालिदा का फोन तो नहीं आया अपने भाई की वकालत करने के लिए जैसे वो हमेशा किया करती है? नहीं फोन तो नहीं आया और मैंने भी उससे ज्यादा बात नहीं की है और ना ही तकबीर से बात करने दी है। फजूल किस्म की बातें करके परेशान करती है कि हम फातिमा को ले जाएंगे हम फातिमा को ले जाएंगे। मैंने भी तकबीर को मना कर दिया कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। आपने बिल्कुल ठीक किया कोई जरूरत नहीं है तकबीर को वापस भेजने की। अब मैं आ गया हूँ मैं खुद बात करूंगा उससे। अरे ये मेरी फेवरेट दाल। अब्बू एहसन कैसा है? कनाडा जाकर तो उसने बात करने ही छोड़ दी हमसे। अरे बेटा वो तो हमसे भी बहुत कम बात करता है बस अपनी नौकरी या अपने बीवी बच्चों में ही लगा रहता है। लेकिन इस दफा उसका पूरा इरादा था पाकिस्तान चक्कर लगाने का लेकिन बीवी है कि जान नहीं छोड़ती है। अरे इतनी तेज लड़की है अब तो उसके सालों का भी बड़ा रोब चलता है एहसन पर। अपने साथ बिजनेस में जो सेट कर लिया है तो बात तो माननी पड़ेगी ना बीवी की और सालों की। भी बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। उसके ससुराल वाले उसको समझते हैं वो इतना काबिल जो है अभी जब इज्जत करनी आ जाए तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं पर वो खुश है और क्या चाहिए। अरे भाई तुम्हारी माँ ने तो मिलवाया ही नहीं मुझे अभी तक अपनी बहू से। मिलवा दूंगा मैं। अरे भाई मिलवा नहीं रहे तो कोई तस्वीरें दिखा दो मुझे। हाँ जरूर आपने अपनी बहू को देखना है तस्वीर ऊपर पड़ी है मैं दिखा देता हूँ आपको। अरे भाई उन लोगों को बताऊंगी ना मूसा की पुप्पो हूँ उसकी बेटी के लिए कोई तोहफे भी ले जाऊंगी। बस वो आजकल वो बाहर गए हुए तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी ना तो मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। हाँ हाँ जरूर लेकर चलना ताकि उनको भी तो पता चले कितना बड़ा खानदान है कितने सारे लोगों को आके निभाने उस लड़की ने। भाई रिश्ते तो खूब निभाना जानती है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ बहुत प्यारी बच्ची है मेरे मूसा की किस्मत बहुत अच्छी है बाजी। बस पप्पू आप दुआ करें मेरे लिए आप बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। अरे मेरे बच्चे मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ। अरे आपा बोटी तो लें आपने तो कुछ डाला ही नहीं अपनी प्लेट में। अरे नहीं भाई इतना ही काफी है। आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है मैंने आज। लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे महफिज तू सरप्राइज तुम कब आई? बस आज ही सरप्राइज आपको सरप्राइज देना था ना। बहुत बड़ा सरप्राइज है पता है तुम्हें ये? अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरे ख्याल से बाहर गई हुई है। तुम ये बताओ कि हैदर भाई नहीं आए तुम्हारे साथ? आपको पता है ना उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। ओह अच्छा तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा आपने तकदीर को नहीं बताना मैं उसे सरप्राइज दूंगी ठीक है? यार उसकी बेटी की तबीयत खराब है फातिमा की बहुत परेशान थी अभी उसी से बात कर रहा था। अच्छा चले मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ जरूर चलो तुम अंदर तो चलो ना। हाँ मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। हेलो तकबीर क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? यार मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ काश मैं भी वहाँ पे होती और मैं भी तुम सबके साथ बहुत इंजॉय करती ना शादी की तैयारियों को। नहीं यार तुम्हें पता है ना अकेले आना कितना मुश्किल है। अच्छा फातिमा की तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है मूसा भाई बता रहे थे ना मेरी उनसे बात हुई थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है यार उसका ख्याल रखा करो तुम लोग। अच्छा सुनो अम्मी की तरफ चक्कर लगा लेना। हाँ बहुत अकेली होती है ना तो उनको अच्छा लगेगा तुम्हारे आने से आज ही लगा लेना सही है? ओके बाय। उसने तुमसे अगर वादा किया है तो उसके वादे को लफ्ज़ आखिर मत समझना आयशा। हो सकता है कि वो अपने वादे से फिर जाए लेकिन अगर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू हैं तो उसके आंसू की कदर करो आयशा। मर्द जब किसी औरत के लिए आंसू बहाता है ना तो उसके आंसुओं का पास रखना चाहिए। उसने तुमसे कहा है ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ लेकिन मोहब्बत में सब कुछ जायज है ये कहकर तुम पे हाथ उठाना ठीक नहीं है। देखो उसे प्यार से डील करो और कोशिश करो कि उसकी नापसंदीदगी का ख्याल रखो और उस पर अमल करो। हर बार जरूरी तो नहीं कि वही गलत हो
आयशा, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और प्लीज अपना ख्याल रखो। ऑफिस तुम कब आई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गई हो? देख लो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। अगर मैं तुम लोग को बता देती अपने आने का तो फिर ये जो खुशी है तुम लोगों के चेहरे पे कैसे देख पाती। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, प्लीज मुझे बताओ तुम खुश हो ना? फाइनली वो सब कुछ होने जा रहा है जो तुम चाहती थी, तुम इस घर में आने वाली हो, तुम खुश हो ना इस सबके लिए? हाँ, ख्वाहिशें तो मेरी बहुत सारी थी। मैं सोचती हूँ कि अगर अब्बू होते तो कितना अच्छा होता ना, कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं खुश हूँ। इत्मीनान है मुझे और अल्लाह का शुक्र है इन तमाम हालात में इत्मीनान भी है। तुम खुद को सोच सोच के क्यों हलकान करती जा रही हो तकबीर? जो होगा देखा जाएगा और बस छोड़ दो इन सब बातों को, और तुम तो सिर्फ खुशी के बारे में सोचो। मूसा भाई को तो वही वाली तकबीर चाहिए, हंसती खेलती हुई, वही पुरानी। क्या हुआ भाई, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। करें बात। तकबीर, तुम यहाँ आराम से तो हो? मतलब तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होना? हाँ भाई, ये कैसा सवाल है, मैं अपने घर में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तकबीर, मेरी आंखों में देख के बात करो। तकबीर, मैं यहाँ से दूर जरूर हूँ मगर बेखबर नहीं। काश के इसी तरह आपको आप ही की तकलीफ का अंदाजा हो गया होता तो आज वो हमारे साथ होती ना। लोग कहते हैं कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन मेरे लिए तो आ गया है। शायद ये दूरी हमारी चाहत का इम्तिहान थी। दिलदार का गम आया। इसकी क्या जरूरत है मूसा? अरे जरूरत है, हमारी शादी की तैयारियां मैं और तुम साथ मिलकर करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी की तुम्हें हर चीज दिलाऊं, खास तौर पर तुम्हारे निकाह का जोड़ा। मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं कुछ भी पहन लूंगी।
कोई भी क्यों, मतलब ये हमारा स्पेशल दिन है, तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना। अच्छा बस सुनो मेरी बात, मैं आ रहा हूँ तुम्हें एक घंटे में पिक करने के लिए, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके ओके बाय। लेकिन मूसा मेरी बात सुन, तकबीर आखिर क्या चाह रही है? कह रही है कि निकाह हॉल में नहीं होगा, घर में होगा, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कोई धूमधाम से शादी नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं कर रहे हम लोग धूमधाम से शादी, क्यों नहीं मनाया उसकी खुशियाँ? अरे बेटा, मैंने भी तुमने भी उससे बात करके देख लिया है ना, वो नहीं मान रही। वो फरहान के ही काबू में आएगी, वही उसे समझाएगा। तो करे ना आप फरहान से बात, वो तो कह रही है कि वो दुल्हन का जोड़ा भी नहीं पहनेगी। हाँ मैं फरहान से बात करती हूँ। हेलो। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? हाँ हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बेफिक्र रहो, मैं संभाल लूंगी। हाँ अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे थे फरहान? अरे फरहान का नहीं, मूसा का फोन था, कह रहा था कि वो तकबीर को शादी की शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रहा है। अम्मी अब फरहान की नहीं चलेगी, अब मूसा ही तकबीर को संभाल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो, बस अल्लाह तेरा शुक्र है इस घर की खुशियां लौट आए। ये आपकी चाय। ये देखो। अरे बहुत अच्छी है, तकबीर को बहुत अच्छी लगेगी। मैं तकबीर को बहुत खुशियां देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर खुशी उसकी जोड़ी में डाल दूँ, उसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। तकबीर ने बहुत कुछ चाहा है, अब आपको उसे मोहब्बत और तहफ्फुज़ का एहसास दिलाना होगा। मैं उसे मोहब्बत और तहफ्फुज़ का एहसास दूंगा। आई एम श्योर आप ऐसा ही करेंगे। वैसे भी तकबीर और आपकी मोहब्बत ने बहुत सफर किया है, और अब तो आप दोनों मिल रहे हो तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। सच बताऊं तो मैं बहुत सेल्फिश हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तकबीर और अपने बारे में ही सोचता हूं और बस। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, इसे तो मोहब्बत का एहसास कहते हैं। क्या क्या कुछ नहीं सहा आप दोनों ने, कितनी सजा नहीं काटी। हम दोनों ने बहुत लंबी सजा काटी है, मुझे एहसास है इसका। चाय ठंडी हो रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आप पर तो अभी से नूर उतर आया है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने का, लेकिन मूसा ने कहा तो। क्यों दिल नहीं चाह रहा था? अच्छा किया ना मूसा भाई ने। फातिमा को तैयार कर लेती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, फातिमा को मैं संभाल लूंगी। आप आराम से जाएं और मूसा भाई के साथ शॉपिंग करें, और हाँ आप वो जो भी दिलाएं प्यार से ले लीजिएगा, इनकार करके उनका दिल मत तोड़ना। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो और अयान कैसा है? अयान बिल्कुल ठीक है अम्मी। तो बेटा तुम लोग सुल्तान के साथ आ जाते, तुम्हें पता है मैं कितनी बेचैन हूँ अयान को देखने के लिए। हमारा भी कहाँ यहाँ दिल लगता है, आपसे मिलने को बहुत दिल करता है अम्मी। फातिमा कैसी है, उसकी तस्वीर तो भेजे ना मुझे। मैंने तकबीर से भी कहा था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब रहती है,
अरे बेटा कहीं गायब नहीं, यही घर में ही रहती है। चुप चुप गमसुम सी जिंदगी ने उसे इतने बड़े इम्तिहान जो ले लिए हैं। वो अकेली भी तो हो गई है ना मम्मी। अरे लो सुल्तान आ गया, सुल्तान से बात करो। हेलो, और आयशा का फोन आया तुम्हें दोबारा? आयशा ठीक है अल्लाह का शुक्र है, अयान भी ठीक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, आप प्लीज अम्मी का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ फरहान मैंने की थी बात। नहीं मेरे उठने से पहले ही तुम जा चुके थे। मैं बिल्कुल बात करूंगा मूसा से, पर तुम भी तो कुछ समझने की कोशिश करो ना, ये मामला थोड़ा रिस्की है। हाँ मैंने सारे हॉस्पिटल्स में खावर की तस्वीरें दे दी हैं, अगर उनके पास कोई भी ऐसी बॉडी या कोई नामालूम या लावारिस कोई केस आता है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे और शिनाख्त हम दोनों जाके कर लेंगे। नहीं फरहान ये जरूरी है। चलो ठीक है ठीक है, मैं वहां भी पता कर लेता हूँ। देखो अब ये काम ज्यादा जरूरी है, अगर जावेद और खालिदा ने कोई मसला ना किया तो हमें तो कम से कम मुहतात रहना चाहिए था। चलो ठीक है तुम भी बात करके देख लो। ओके ओके खुदा हाफिज़। आज काफी शॉपिंग हो गई है, जो चीजें रह गई हैं फिर कभी सही। नहीं और कुछ नहीं लेना। क्यों मेरी शॉपिंग भी तो रहती। खैर तुम काफी थक गई होगी, चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे लग रहा है फातिमा रो रही होगी। क्यों रोएगी, वो आंटी और मामी है ना उसको संभालने के लिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं मूसा मुझे फिक्र हो रही है, हम घर चलते हैं प्लीज। अच्छा रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन मेरे लिए तो आ गया है। शायद ये दूरी हमारी चाहत का इम्तिहान थी, हमारी सच्ची मोहब्बत। मेरी जिंदगी के बारे में, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी मूसा, हम उस जिंदगी में साथ रहेंगे जो कभी खत्म ना हो। खुदा गवाह है हमारी मोहब्बत का, सब देख रहा है। हकदार हो जाएगी हमारी मोहब्बत, हम उस जिंदगी में साथ रहेंगे जो कभी खत्म नहीं। लेकिन इस जिंदगी के लिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। तकबीर, तकबीर ऐसा ना करो, तकबीर।
मूसा ने हामी भर ली है क्या? बेटा मना करने का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता, और तुम तो जानती हो हमेशा से मूसा की यही ख्वाहिश रही है कि फातिमा उनके साथ ही रहे। अम्मी अगर आप मेरी बात माने ना तो हम फातिमा को अपने पास रख लेते हैं, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। आप तकबीर से बात तो करें, बल्कि मैं खुद बात करता हूं उससे। और रही बात निकाह की, तो मैं चाहता हूं कि तकबीर को निकाह के फौरन बाद रुख्सत कर दिया जाए। पता नहीं क्यों मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। अरे बेटा तो अल्लाह से दुआ मांगो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। फिर तकबीर फातिमा को तुम्हारे हवाले क्यों करने लगी? तुम माँ से औलाद को दूर नहीं करते, और फिर जरा फातिमा के बारे में भी तो सोचो, वो बिन माँ के कैसे रहेगी? अम्मी पुरानी जिंदगी की यादें लेके वो नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, इस तरह वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आपको नहीं लगता कि ये मूसा के साथ की ज्यादती है कि हम उसके सर पे फातिमा की जिम्मेदारी थोप दें? अरे हम क्यों मूसा के सर पर जिम्मेदारियां थोपने लग गए? मूसा तो खुद अपने दिल और जान से चाहता है कि फातिमा उसके साथ रहे। फातिमा को बहुत प्यार करता है, वो भी उससे बहुत मानूस है। सब बातें ठीक, मगर आप एक दफा तकबीर से बात तो करें। मैं चाहता हूं कि तकबीर से खुल के बात कर ली जाए। अगर वो फातिमा मुझे दे देती है ना तो मैं उसे बहुत मोहब्बत और शफकत से अपने पास रखूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तकबीर से बात करती हूँ, बल्कि आज ही बात करती हूँ, देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है। तकबीर तुम प्लीज कोशिश करना कि सुल्तान और नुसरत का आमना सामना कम हो। सुल्तान पहले ही इतने गुस्से में थे सारे घर के मामलात को लेके, नुसरत सामने आएगी तो न जाने क्या क्या बोल देंगे, तुम तो जानती हो ना उन्हें। तुम प्लीज ख्याल करना, और वैसे भी अगर नुसरत को कुछ कहा जाए ना तो वो फौरन फरहान से लड़ना शुरू कर देती। अरे थैंक यू किस लिए? तुम मेरी फैमिली हो, अपने हो मेरे, तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? तुम्हें नहीं समझूंगी तो और किसे समझूंगी? अच्छा सुनो मैं फोन रखती हूँ, तुम कहाँ, कहीं बाहर हो? अच्छा चलो अच्छा हुआ कि मूसा तुम्हें बाहर ले गया, वरना तुमने तो सारा दिन घर पे ही बैठना होता है। चलो मुझे खाना बनाना है, मैं रखती हूँ फोन, हाफिज। तकबीर ये क्या खाली हाथ आ गई, कुछ लिया नहीं? मूसा ने कुछ सामान दिया ही नहीं, वो सब कुछ ले गया। लेकिन क्यों? उसने कहा वो आंटी के साथ स्पेशल अंदाज में सब कुछ लेकर आए। ये क्या बात हुई, अब इतना इंतजार करना पड़ेगा सब कुछ देखने के लिए? अच्छा चलें छोड़ें, वैसे ही बता दें क्या क्या लिया, कैसा शादी का जोड़ा लिया, किसका लड़का है और ज्वेलरी कैसी है। ए देखो मम्मा आ गई। हेलो भाई, संभालो अपनी बेटी को, नानो का काम खत्म हो गया। इतनी शिद्दत से चाहने के बाद जो मोहब्बत मिलती है ना उसमें उतनी ताकत होती है। हर दिन हर लम्हा मुझे इसका एहसास रहता है। ये तक कि आपके साथ मोहब्बत की निशानी है, मैं तो उसे खुशकिस्मत कहूंगी, इतना प्यार करने वाला इंसान जो मिल रहा है उसे। लेकिन महविश मैंने एक बात महसूस की है, तकबीर अभी भी मुझसे बात करने में झिझकती है, मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती।
पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिल में। भाई आप समझने की कोशिश करें, वो इस वक्त खुद को जोड़ रही है, आप जानते हैं ना वो कितनी अजियत से गुजरी है। हाँ तकलीफ तो उसने बहुत उठाई है, पर इस तकलीफ का हर एक एक लम्हा मुझे उसके जहन से मिटाना है, पर इन सब में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम तकबीर और फातिमा को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पास्ता लेके आती हूँ। और हाँ जब तक तुम यहाँ हो मेरे लिए रोज पास्ता बनाओगी। अच्छा और मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? हाँ भाई हाँ, तुम्हें चाट खिलाने लेकर चला जाऊंगा मैं। ठीक है मैं लेके आती हूँ। चाय भी ले आना। ओके थैंक यू। सुने कल आप मुझे शॉपिंग पे लेके चलेंगे ना? तुम्हें क्यों? शादी के लिए कपड़े नहीं लेने क्या? तुम्हें क्या जरूरत है कपड़ों की, अपनी शादी के पहन लेना। अच्छा वैसे कल बाजार तो जाना ही हमें। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पुराने कपड़े पहनने दूं? अभी आपने खुद ही तो कहा है। तंग करने के लिए कहा था यार। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, हम कल जाएंगे शॉपिंग करने। ठीक है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा तकबीर, और मांगा भी तो सिर्फ मेरा साथ मांगा। तुम मिल रही थी तो एक अजीब सी बेचैनी थी, और तुम्हें मिलकर किस तरह इस जिंदगी को बुलाकर आगे जाएंगे ये मुश्किल होगा तकबीर, मगर नामुमकिन नहीं। मैं जानता हूँ हमारा रिश्ता बहुत मुश्किलात के बाद कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ मुझे इसकी लाज रखनी होगी। मैं तुम्हारे हर दुख में साथ हूँ तकबीर, और रहूँगा। और जहाँ तक रही फातिमा की बात, तो मेरे घर की उन कीमती चीज़ों जैसी है वो, जो मैं चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर सकता। हाँ मुझे शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। दिलदार का गम आया। तुम्हारे नसीब में जितने दुख लिखे थे तुमने सब सह लिए, तो आगे खुशी ही खुशी है। देखना अल्लाह मियां तुम्हारा दामन खुशियों से भर देगा। I'm a man.